बिहार में मंत्री और अधिकारी के बीच जारी तनातनी के बीच शिक्षा व्यवस्था की हालत खस्ता है। कहीं बिल्डिंग नहीं है तो कहीं शिक्षक नहीं है। एक बिल्डिंग में तीन तीन स्कूल चल रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री ऑफिस जाने की बजाय आरजीडी ऑफिस में हाजिरी लगा रहे हैं। बिहार के शिक्षा विभाग में घमासान मचा है। मंत्री और अधिकारी आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री ने मामला शांत करा दिया, इसके बावजूद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर दो दिनों से सचिवालय नहीं पहुंचे। इसकी जगह आरजेडी ऑफिस जरूर पहुंच गए। जब सवाल किया गया कि क्या मामला खत्म हो चुका है तो मीडिया पर ही भड़क गए। मुलाकात हुई थी आपकी, इसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? अभी शिक्षा नीति समझने आए, जहां चर्चा में आए थे कि आप दूसरे टीम लगे। मोटे तौर पर आप समझिए, आप लोगों का मंसूबा कामयाब होने वाला नहीं है। जो लोग ये मंसूबा पाल रहे हैं उसमें आप लोग सफल होने वाले हैं। मंत्री की नाराजगी की वजह जो भी हो, लेकिन विभाग का काम ठप है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने व्यवस्था को सुधारने के लिए तुरुप का इक्का चला। कड़क और ईमानदार माने जाने वाले आईएएस के पाठक को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया। उम्मीद थी हालात में बदलाव होंगे, लेकिन यहाँ खींचतान शुरू हो गई। काम फिर अटका पड़ा है। स्कूलों की हालत यह है कि एक बिल्डिंग में तीन तीन स्कूल चल रहे हैं। राजधानी में जिस जगह आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी का ऑफिस है, उससे महज 100 मीटर की दूरी पर अदालतगंज में एक बिल्डिंग में तीन स्कूल चल रहे हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है अदालतगंज राजकीय कन्या मध्य विद्यालय अदालतगंज वाटर टावर स्कूल की तस्वीर है। दरअसल ये मूल स्कूल है और इसी स्कूल के कैंपस में दो और अन्य स्कूलों का जो है वो संचालन होता है। जो पहला स्कूल है बालक मध्य विद्यालय अदालतगंज पटना अंचल गर्दनी बाग, ये स्कूल है। और जो दूसरा जो स्कूल है वो मध्य विद्यालय मीठापुर अशोक मार्केट स्कूल है। यानी एक ही स्कूल कैंपस में तीन तीन जो स्कूल हैं वो चलते हैं, उसके बच्चे पढ़ाई करते हैं और शिक्षक जो है पढ़ाई कराते हैं। यह हाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं है, कई स्कूल ऐसे हैं। 100 साल पुराने मिलर हाई स्कूल की बिल्डिंग में दो स्कूल चल रहे हैं। एक तो मिलर स्कूल, जहां 11वीं और 12वीं की पढ़ाई होती है। इसी बिल्डिंग में राजकीय बालिका उच्च विद्यालय चिड़ियाटांड भी चल रहा है। अगर सभी छात्र स्कूल पहुंच जाएं तो बैठने की जगह नहीं बचेगी। सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, शिक्षकों की भी भारी कमी है। नहीं, टीचर की कमी है, उन बच्चों के अनुपात में शिक्षकों की कमी है, सब्जेक्ट वाइज कमी है। साइंस में मेरे यहाँ टीचर पर्याप्त हैं, लेकिन फिजिक्स जैसे अलग आप प्लस टू में देखिए तो बिल्कुल नहीं है। इवन मेरे को मैथ टीचर को भेजना पड़ा अभी आईआईटी में ट्रेनिंग के लिए, उन्होंने कहा आप मैथ को भेजो, लेकिन प्लस टू में जो मैथ लेते हैं वो फिजिक्स कहाँ से ले पाएंगे, बिल्कुल सेपरेट होता है वो। चिड़ियाटांड गर्ल्स हाई स्कूल यहाँ आ गया, वो आया कि कुछ वर्षों तक चलेगा जैसा मैंने पूछा, लेकिन वो कंटिन्यू करते जा रहा है, जिससे कि हमारे बच्चे भी सिमटते चले गए हैं और टीचर भी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और पूर्व शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा इसी मिलर स्कूल के छात्र रहे हैं। अब इसी कैंपस में एक और स्कूल चल रहा है, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय। हम इस वक्त खड़े हैं पटना के मिलर हाई स्कूल में। ये नीचे मिलर हाई स्कूल है और ऊपर जो है इसी मिलर हाई स्कूल के कैंपस में एक और विद्यालय का में की जो पढ़ाई होती है उसका नाम है राजकीय बालिका उच्च विद्यालय चिड़ियाटांड पटना। दरअसल मिलर हाई स्कूल जो है ये यहाँ का मूल स्कूल है, जिसके बच्चे आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे। और इसी मिलर हाई स्कूल के कैंपस में राजकीय बालिका उच्च विद्यालय चिड़ियाटांड स्कूल को यहाँ पे तकरीबन 10 साल पहले लाया गया था, और तब से इस स्कूल के बच्चे यहीं पे रह के पढ़ाई करते हैं। बात सिर्फ बिल्डिंग की नहीं है, कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ सिर्फ एक या दो शिक्षक हैं। कई स्कूलों में मैथ और साइंस टीचर ही नहीं है। शिक्षकों के लाखों पद खाली पड़े हैं, वो भी तब जब शिक्षा विभाग का बजट 40,000 करोड़ का है। तीन विद्यालय हैं, जो बाकी के दो विद्यालय हैं उनमें तीन एक ही मतलब तीन ही कमरे हैं और उसमें दो विद्यालय चलता है, और वो मॉर्निंग डे में चलता है, आधे से ज़्यादा बच्चे बरामदे में पढ़ते हैं, बालक मध्य विद्यालय और मध्य विद्यालय मीठापुर अशोक मार्केट। जी ऐसा बारह तीन ही कमरे में मध्य विद्यालय तो होना चाहिए नहीं, एक मध्य विद्यालय के लिए 10 से 12 कमरे की आवश्यकता होती है मानक जो है, और यहाँ मध्य विद्यालय बालक मध्य विद्यालय में तो तीन ही कमरा है।
1 to 8 क्लास प्रथम से अष्टम तक। शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी निकली है, लेकिन नियमावली को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री विभाग के सबसे बड़े अधिकारी से नाराज चल रहे हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी ऑफिस नहीं जा रहे। ऐसे में सवाल है कि शिक्षा विभाग की स्थिति आखिर सुधारेगा कौन? एक तरफ बिहार के स्कूलों में, चाहे वो मिडिल स्कूल हो या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल हो, वहाँ पे टीचर्स की भारी कमी है, तो दूसरी तरफ इन स्कूलों में जो बुनियादी जो संरचना होती है उसका भी घोर अभाव है। ऐसे में सवाल ये होता है कि जिन स्कूलों में बच्चों का भविष्य बनना था, अगर वो स्कूल बुनियादी रूप से कमज़ोर होंगे तो फिर बच्चों का भविष्य किस आधार पर तैयार होगा? कैमरा पर्सन सुनील के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।